दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक अमर को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल टेक अमर में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि फ्रेंड बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते और हमको व्यूज़ नहीं आते। तो फ्रेंड्स आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा और आपके साथ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स व्यूज़ आने का एक टाइम होता है कि आप लोग का एकदम सही टाइम होना चाहिए कि आपको अपने वीडियो को पब्लिश करने का। आप एक सही टाइम पे अपने वीडियोस डालेंगे ताकि आपके व्यूवर्स आपके वीडियो सबसे ज़्यादा कब देखते हैं, आपके व्यूअर्स आपके वीडियो सबसे ज़्यादा कब देखते हैं, आपको उस टाइम पर आपको अपनी वीडियो को पब्लिश करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि एस्टिमेट मैं हमेशा शाम को वीडियो 7 PM के बाद ही मैं अपनी वीडियो को पब्लिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि आपको अपने वीडियो को पब्लिश कब करना है और आपको उसका एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास यूट्यूब स्टूडियो है या आपके पास आप कंप्यूटर में भी एनालिटिक्स कर सकते हैं तो मैं आपको अपने स्टूडियो में आपको एनालिटिक्स करके दिखा रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स स्टूडियो में चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वॉच टाइम व्यूज़ मिल जाएगा, व्यूज़ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रियल टाइम 48 आवर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप 48 आवर्स पे क्लिक करेंगे मतलब एक दिन पुराना, आपको एक दिन पुराने आपको किस टाइम पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ कब आए थे तो यहाँ पे आप टाइम पे इस पर क्लिक कीजिए तो आपको बता देगा 9:30 से 10:30 के बीच में मुझे 3 व्यूज़ आए थे। तो अभी फ्रेंड्स आप एनालिटिक्स करके आप देख सकते हैं कि व्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा कब आते हैं। उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स, आप उसी टाइम पे अपनी वीडियो को पब्लिश कर दिए। उसके 5-10 मिनट पहले अपनी वीडियो को आप पब्लिश कर दीजिए तो आपको व्यूज़ आने के चांस बढ़ सकते हैं और आपको 100% व्यूज़ आपको आएंगे, क्योंकि आप एनालिटिक्स करके देख सकते हैं। आप एक दिन दो दिन तीन दिन अपने चैनल को एनालिटिक्स कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है कि आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो कब देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वीडियो को देखने का, तो आपके वीडियो को आगे पीछे वो देखते हैं। तो आप एनालिटिक्स करके अपने चैनल को देखिए कि आपकी वीडियो को सबसे के सब्सक्राइबर आपके व्यूअर्स आपके जो भी हैं आपकी वीडियो को कब देखते हैं। और आप रियल टाइम करके भी देख सकते हैं कि आपको 60 मतलब 1 घंटे के अंदर के आपको कितने वीडियो व्यूज़ आए हैं। तो फ्रेंड इस मेरे पे अभी कोई भी व्यूज़ मेरे को 1 घंटे के अंदर कोई भी मुझे व्यूज़ नहीं आए। तो अब यहाँ 48 आवर्स में आप एनालिटिक्स करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो को व्यूज़ सबसे ज़्यादा कब आ रहे हैं। आपको यदि वीडियो कभी भी डालने का मन है तो अपनी वीडियो को 60 मिनट कर दीजिए, आप एनालिटिक्स कर दीजिए कि आपकी वीडियो को कौन देख रहा है। यदि आपको लगता है कि ये सही टाइम है मेरी वीडियो को डालने का तो आप तुरंत पब्लिश कर दीजिए। यदि समझ लीजिए इस टाइम मेरे वीडियो पे कम से कम 150-200 व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं इस टाइम पर अपनी वीडियो को पब्लिश कर देता हूँ। इससे मतलब जैसे पब्लिश करें मेरी वीडियो वॉच करते रहेंगे उनको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपके व्यूज़ को बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक अच्छा तरीका अपने वीडियो में व्यूज़ लाने का और एक सही तरीका है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा आपको आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो थैंक यू गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।